Father. Can you believe it? Take me, please. हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉररलैंड। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सही सलामत होंगे। तो आज की कहानी में हम एक ऐसे कपल के बारे में जानेंगे जो कि एक ऐसे घर में जाते हैं जहाँ पर उनको बहुत ही अजीब चीज़ें महसूस होती हैं। क्या होगा जो वही चीज़ें उनकी मदद के लिए उनसे उनकी जान से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ मांग ले? क्या वे कपल इन चीज़ों से निकल पाएंगे या फिर वे वहीं पर फंस कर रह जाएंगे? ये हम आज की कहानी में देखेंगे। मूवी की कहानी शुरू होती है माया और जेमी से, जो कि लंदन में रहा करते थे। और एक दिन उनको पता चलता है कि माया प्रेग्नेंट है। दोनों इस बात से बहुत खुश थे। फिर इसी खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए जेमी पास के एक शॉप में वाइन खरीदने जाता है, जहाँ पर कुछ लड़के जेमी को परेशान करते हैं। पहले तो जेमी उनको कुछ नहीं कहता है, लेकिन वो लड़के अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे थे, तो इसीलिए जेमी भी उनको गाली देकर अपने घर चला जाता है। लेकिन वो लड़के जेमी का पीछा करके उसके घर में घुस आते हैं और उसको मारने पीटने लगते हैं। माया बाथरूम में छुपकर पुलिस को कॉल करके बुलाती है और वे लड़के माया को बाथरूम से निकालकर उसको भी मारने और पीटने लगते हैं। फिर पुलिस की गाड़ी की आवाज़ को सुनकर वे लड़के वहां से भाग जाते हैं। माया और जेमी की किस्मत अच्छी थी कि माया के बच्चों को कुछ नहीं हुआ, लेकिन इस इंसिडेंट के बाद उनको अपने घर में बहुत ही ज़्यादा अनसेफ फील हो रहा था। दूर एक आइलैंड में जेमी की आंटी मियावे मर चुकी थी और मियावे का इस दुनिया में जेमी के अलावा कोई भी नहीं था, तो इसीलिए उनके मरने के बाद उनका घर जेमी का हो गया था। तो इसीलिए अपनी लाइफ की शुरुआत करने के लिए माया और जेमी जेमी की आंटी मीव के उसी आइलैंड वाले घर में रहने के लिए जाते हैं। वहां पर उनको मियावी के नेबर मिलते हैं जिनका नाम निये था। निये उनको घर का बैक गार्डन दिखाती है जहां पर एक छोटा सा घर था। निये से उनको पता चलता है कि मियावे हर दिन रेड कैप्स के लिए यहां पर मीट का ऑफर रखती थी, जिसने उनको पूरी लाइफ हर मुसीबत से बचाया था और ये उनका एक जनरेशन बाय जनरेशन रिचुअल रहा करता था। बीच में मियावे ने रेड कैप्स को ऑफरिंग नहीं दी और तब उनका हस्बैंड और उनकी बेटी की मौत हो गई और इसके लिए मियावे खुद को ही जिम्मेदार समझती थी। तब से मियावे हर दिन रेड कैप्स को ऑफरिंग देती आई थी। माया भी निये की इस ट्रेडिशन को फॉलो करने का प्रॉमिस करती है। माया और जेमी घर की कुछ चीज़ों को एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन घर को कुछ रिपेयरिंग की ज़रूरत थी, तो इसीलिए वे लोग घर की रिपेयरिंग के लिए मिस्टर वेलन को बुलाते हैं। फिर माया और जेमी पास के शॉप में जाते हैं और शॉप ओनर उनको कोई पैसा नहीं लेता है, क्योंकि मियावे ने उस शॉप ओनर की बहुत मदद की थी। फिर वे दोनों निये के बार में जाते हैं और वहाँ पर वहाँ के लोकल लोग भी थे, जो कि बहुत ही अच्छे से उनका वेलकम करते हैं। रोरी उनके घर के रिपेयरिंग के लिए उनकी मदद करना चाहता था, लेकिन वे दोनों रोरी को बताते हैं कि उन्होंने मिस्टर विलेन को घर की रिपेयरिंग के लिए हायर कर लिया है। बार के लोगों को मिस्टर विलेन का नाम सुनकर बहुत अजीब लगता है। वो तब रोरी उनसे कहता है कि मिस्टर विलेन काम में अच्छे हैं, लेकिन रोरी मिस्टर विलेन के हाथ में घर और वाइन को अकेला छोड़ने से उनको मना करता है। निये माया को रेड कैप्स के ऑफरिंग के बारे में पूछती है। माया ऑफरिंग देना भूल गई थी और निये माया को हर दिन ऑफरिंग देने को कहती है, क्योंकि रेड कैप्स छोटे होते हैं और उनको हर दिन भूख लगती है। माया को ये बात अजीब तो लगती है, लेकिन वो निये को प्रॉमिस करती है कि वो ऑफरिंग देना अब नहीं भूलेगी। इस तरफ रोरी जब बाहर से घर जा रहा था तो उसका डॉग मौली जंगल में चला जाता है और रोरी ने बहुत ड्रिंक कर रखी थी, फिर भी वो मौली को ढूंढने के लिए जंगल के अंदर चला जाता है। अचानक रोरी को किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है और रोरी उस आवाज का पीछा करता है। फिर तभी कोई अनजान चीज रोरी पर अटैक करके उसको मार डालती है। अगली सुबह माया और जेमी के घर पर मिस्टर विलियन अपने तीन बच्चे इयान, आइसलिंग और किलियन के साथ में उसके घर की रिपेयरिंग के लिए पहुंचते हैं। फिर माया और जेमी शॉप पर जाते हैं कुछ सामान लेने के लिए। माया वहां पर रेड कैप्स की ऑफरिंग के लिए कुछ मीट खरीदती है। उसके बाद माया और जेमी मियावे के ग्रेव पर फ्लावर चढ़ाने के लिए जाते हैं। वहाँ पर उनको चर्च के फादर से पता चलता है कि मियावे की बेटी ओलिविया की डेड बॉडी कभी भी किसी को नहीं मिली और उसकी मौत तब हुई थी जब वो 2 साल की थी। घर वापस आते टाइम उन दोनों को रास्ते में निये मिलती है और उनको निये से पता चलता है कि रोरी कल रात से घर नहीं पहुँचा है। माया यहाँ पर निये से ओलिविया के बारे में पूछती है कि उसकी लाश क्यों किसी को नहीं मिली। निये उनको बताती है कि किसी डील के चलते ओलिविया गायब हो गई थी। दूसरी तरफ वे लोग जब घर पर नहीं थे तो मिस्टर वेलन और उनके बच्चे घर में छोटी मोटी चोरियां कर रहे थे और उनकी हरकतें भी ठीक नहीं थी। घर वापस आने के बाद में उनको स्मोक करता हुआ देखकर जेमी उनको स्मोकिंग करने से मना करता है। माया जब बाथरूम में नहाने के लिए जाती है तो इयान माया को खिड़की से देख रहा था और माया ये सब देखकर बहुत ज्यादा डर गई थी और इयान की तरफ से मिस्टर विलन उनसे माफी मांगते हैं। माया फिर बैक गार्डन में रेड कैप्स के लिए मीट ऑफर रखने जाती है और कुछ देर के बाद में माया जब प्लेट लाने जाती है तो उसको प्लेट खाली मिलती है।
और अब तक माया को बस ऐसा लग रहा था कि रेड कैप्स बस एक कहानी है। अगले दिन काम करते टाइम इयान गलती से घर की एक विंडो को तोड़ देता है, जिस वजह से जेमी उन पर बहुत गुस्सा होता है और मिस्टर विलेन भी इयान की गलती के लिए उसको मारते हैं, लेकिन माया उनको रोक लेती है। फिर कुछ देर के बाद माया को जंगल से रोरी के डॉग मोली की आवाज सुनाई देती है और माया को ऐसा लग रहा था कि रोरी जंगल में है, तो इसीलिए माया रोरी को ढूंढते हुए जंगल की तरफ चली जाती है। माया को मोली तो मिल जाती है, लेकिन रोरी कहीं नहीं दिखता है। मोली माया को रेड कैप्स के स्टोन से बने हुए एक घर तक लेकर जाती है और माया को समझ आ जाता है कि वो जगह किसने बनाई है। अब घर पर वापस आते टाइम माया को जंगल में इयान रोते हुए दिखाई देता है और इयान माया को अपने जख्म दिखाकर ये बोलता है कि मिस्टर विलन ने उसको बचपन से भूत मारा है। यह सुनकर माया इयान को कम्फर्ट करती है, लेकिन इयान माया के साथ में जबरदस्ती करने की कोशिश करता है और अचानक कोई इयान को खींचकर जंगल की ओर अंदर ले जाता है। डर के मारे माया घर पर वापस आती है और माया ने एक रेड कैप को देख लिया था। माया जेमी को फिर से जंगल ले जाकर उन रेड कैप्स और एरिन के बारे में बताती है, लेकिन जेमी माया पर विश्वास नहीं करता है और उस पर गुस्सा करने लगता है। माया को घर में छोड़कर जेमी फिर बार में जाता है और कुछ देर के बाद वहाँ पर किलियन और एलिसन आकर जेमी से इयान के बारे में पूछते हैं। इयान उनको बहुत देर से नहीं मिल रहा था। जेमी ने भी सुबह के इंसिडेंट के बाद में इयान को नहीं देखा था। फिर भी एलिसन और किलियन जेमी से यहाँ वहाँ की बातें करके उसकी इंसल्ट करने लगते हैं। निया ये सब देखकर उन दोनों को बार से बाहर निकाल देती है। फिर इधर माया घर में अकेली थी, तभी वहाँ पर एक रेड कैप आता है और माया के हाथ में एक बैग देकर उसको बिना कोई हार्म किए वहाँ से चला जाता है और माया चुपके से उस रेड कैप की फोटो खींच लेती है। माया देखती है कि उस बैग में इयान का कटा हुआ सर था। फिर जेमी के वापस आने पर माया उसको भी इयान का कटा हुआ सर दिखाती है। दोनों बहुत ही डरे हुए थे और माया ने जो रेड कैप की फोटो ली थी उसमें अब कोई भी नजर नहीं आ रहा था। फिर उसी टाइम मिस्टर विलियन एलिसन और किलियन के साथ इयान को ढूंढते हुए उनके घर तक आते हैं। जेमी उनके लिए डोर नहीं खोलता है और जेमी पुलिस को भी कॉल नहीं कर पा रहा था क्योंकि मिस्टर विलियन ने उनके फोन की लाइन को काट दी थी। माया पीछे के डोर से निकलकर इयान के सर को फेंक देती है और जंगल की तरफ भाग जाती है, लेकिन एलिसन को वो बैग मिल जाता है। एलिसन इयान के कटे हुए सर को मिस्टर विलियन को दिखाती है और वे सभी इयान की मौत पर बहुत दुखी थे। गुस्से में वे लोग घर की चीजें तोड़ने लगते हैं और घर में आग लगा देते हैं और जेमी को भी मारने और पीटने लगते हैं। फिर जंगल में मैरी जेमी को बचाने के लिए रेड कैप से मदद मांगती है, जिसके लिए मैरी उनको कुछ भी देने के लिए रेडी थी। इधर घर की आग अपने आप बुझ गई थी। किलियन जेमी को जान से मारने वाला था और उसी टाइम एक रेड कैप वहाँ पर आकर किलियन पर अटैक कर देता है। मिस्टर विलियन और किलियन समझ नहीं पाते हैं कि वो क्या चीज है। फिर इस तरफ माया को लेबर पेन हो रहा था और एलिसन उसके पास में आती है। एलिसन माया को मारने वाली थी, लेकिन उसी टाइम कुछ रेड कैप्स वहाँ पर आकर एलिसन को मार डालते हैं। इस तरफ रेड कैप्स ने किलियन को भी मार डाला था और मिस्टर विलियन जेमी को मारने वाला था, तो उसी टाइम माया वहाँ पर आ जाती है। प्रेग्नेंट माया को देखकर मिस्टर विलियन को अपने मरे हुए बच्चों के लिए और ज्यादा गुस्सा पड़ जाता है और वो माया को भी गोली मारने वाला था। तभी उसी टाइम मोली मिस्टर विलियन के लेग पर काट लेता है। मिस्टर विलियन कुछ समझ पाता उससे पहले ही माया उनकी गन से उनको शूट करके मार डालती है। फिर कुछ देर बाद माया एक बच्ची को जन्म देती है और रेड कैप्स की मदद से ही उनकी फैमिली बच पाई थी। कुछ दिन बीतते हैं और माया और जेमी जब अपने काम में बिजी थे तो उनको अपनी बेटी नहीं मिलती है। रेड कैप्स ने उनको उनकी मदद के बदले में उनसे उनकी बेटी ले ली थी और अपनी बेटी को लेने के लिए माया रेड कैप्स के ठिकाने पर जाती है। वहाँ पर माया को एक ओल्ड वुमन दिखाई देती है जो और कोई नहीं बल्कि आंट मियावे की बेटी ओलिविया थी। मियावे के हस्बैंड जब बीमार थे तो उनको बचाने के लिए मियावे ने रेड कैप्स से मदद मांगी थी। मियावे के हस्बैंड तो ठीक हो गए थे, लेकिन उसके बदले में रेड कैप्स ने मियावे की बेटी ओलिविया को अपने साथ में ले गए थे और ओलिविया रेड कैप्स की क्वीन बन गई थी। ओलिविया माया को उसकी बेटी नहीं दे रही थी, तो इसलिए माया ने ओलिविया को बड़ी बेरहमी से मार डाला था, जिसके बाद रेड कैप्स ने ओलिविया के खून से माया को नहलाकर माया को अपनी नई क्वीन बना लिया था। जेमी ये सब देखकर रो रहा था क्योंकि अब उसे भी पता था कि उसने अपनी वाइफ और अपनी बेटी को खो दिया है और वे लोग कभी भी अब नॉर्मल इंसानों की तरह नहीं रह पाएंगे। और इसी के साथ में ये हॉरिफाइंग मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, इस मूवी में हमने रेड कैप्स के बारे में देखा जो कि जंगल में रहते हैं। भले ही बाहर के लोगों के लिए रेड कैप्स एक कहानी हो, लेकिन उस आइलैंड के लोग रेड कैप्स पर विश्वास करते थे और उनको ऑफरिंग भी दिया करते थे। एक दिन माया मीट ऑफरिंग देना भूल गई थी, तो इसलिए रेड कैप्स ने रोरी को मारकर खा लिया था।
और इसीलिए रोरी की लाश नहीं मिली थी। उसके बाद में माया ने रेड कैप्स को ऑफरिंग दी और इसीलिए जब माया के साथ में इयान ने जबरदस्ती की तो रेड कैप्स ने इयान को मारकर उनकी हेल्प की थी। रेड कैप्स हेल्प जरूर करते हैं लेकिन हेल्प के बदले में वे लोग इंसान की कोई चीज़ अपने साथ में ले जाते हैं, जैसे कि ओलिविया और माया की बेटी। ओलिविया बहुत ही बूढ़ी हो चुकी थी और रेड कैप्स को नई क्वीन की जरूरत थी, तो इसीलिए उन रेड कैप्स ने माया को अपनी क्वीन चुना। लेकिन इसके बाद में माया कभी भी नॉर्मल इंसान की तरह अपनी लाइफ नहीं जी पाएगी। दोस्तों कैसी लगी आपको ये मूवी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना क्योंकि मैं जल्दी आपके लिए और भी हॉरिफाइंग मूवीज लेकर आने वाला हूँ। तो अब मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में।